आज मोगा में सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को पकड़कर गौशाला में भेजने का कार्य शुरू किया जाएगा। ये कार्य डीसी साहब के निर्देशों पर बाहर से आई हुई टीमों के द्वारा किया जा रहा है। ये टीमें जालंधर, बठिंडा और पटियाला से मंगवाई गई हैं। ये टीमें 7 दिन के अंदर जितने भी बेसहारा गायें हैं उनको पकड़कर गौशाला में पहुंचाएंगी। डीसी खरवंदा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों में बेसहारा पशुओं की वजह से काफ़ी लोगों की और कुछ पुलिस मुलाजिमों की जान भी जा चुकी है, जबकि हम गौशाला में फंड देते हैं इनकी देखभाल की जा सके। और उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो इनको सड़कों पर ना छोड़ें बल्कि गौशाला में जाकर छोड़ आएँ जहाँ इनकी संभाल हो सके। वहीं जानकारी देते हुए जग्गा पंडित ने बताया कि हम मतभेद भूलकर बेसहारा गायों का ध्यान रखें और आम लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी भी पशु को सड़क पर ना छोड़े, उसे गौशाला में छोड़ आए, जिससे आम आदमी की जान को बचाया जा सके और इनकी भी संभाल हो सके। सर दियो जानकारी आज। देखो जी, इस तरह है कि अपना मोगा शहर विच काफ़ी समस्या बच्चियां नू, बड़ियां नू, इस्त्रियां नू, जिहड़े आवारा पशु ने उन्हां बारे आ रही थी। पिछे पुलिस के मुलाजम भी कोई फट्टड़ भी होए, कोई शहीद भी हो गए, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, सो पशु जड़े ने लोग सड़कों पर छड़ देंगे ने। तो ये तहत एक टीम असी 4 टीम बनाई हैं और नगर निगम के नाल रल के और सारे ही बड़े मैं बड़ी खुशी है कि मोगा शहर में बड़े ही भावुक लोग ने और एक कॉल से सारे इकट्ठे हुए ने। असी 4 नाके लगाए ने, एक अकाल रोड से है, एक असी उन्होंने MI बुकन वाले खड़ा है और एक असी 4 थावां थे जिथे गौशाला जानी है उत्थे पशु उत्थे असी लैके जावांगे, तां जो तकरीबन तकरीबन जे असी 1000 दे करीब मनीए मोगा शहर में तो 1000 पशु असी 7 दिन मुहिम चलानी है। अज 13 तरीक नूं असी शुरू किया सवेरे 7 बजे ने, तो असी अपना ता जो मोगा शहर साफ हो जाए, किसी बच्चे नूं कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम आवे, कोई असी घटना ना घट सके। तो अपना टीम असी देखो काउ कैचर एक पटियाले तो मंगवाई है, काउ कैचर एक जलंधर में मंगवाई है, एक बठिंडे मंगवाई है, एक नगर। सर हुण तक किन्ने पशु पकड़े ने? हाँ जी, हुण तक किन्ने पशु पकड़े? 8 होया जी, अज तक पहला दिन 80 हो गए। मैं सारे लगाए ने, अपने अफसर भी ड्यूटी लगाए ने, नगर निगम के बंदे लगे ने, इधरों समाज सेवी संस्थियां NGO सारे इकट्ठे होकर आए ने। सो एक साझा उपराला, एक तो जंग है क्योंकि अपना जब घर तो आप सेफ हैं, जो अपना बाहर आने हैं तो बाहर पशु का कोई पता नहीं लगता, कोई अटैक कर देता है। तो इस तरीके नाल अपना शहर अपना अपना समझिए, अपना घर समझिए, ता जो अपना एक बार सारा जरा शहर है जो भी हमारा पशु है वो अपना किशनपुरा कलां उत्थे लै जाइए, बुकन वाला लै जाइए, अलग अलग गौशाला रखी हैं और उधर असी पट्ठे भी देवे, सेवा भी दे रहे हैं, 32 रुपये के हिसाब से डाइट मनी भी दी जाएगी। सो एक तरीके नाल सिस्टम तरीके नाल चलिए ता जो सरबत का भला हो सके। किस तरह को निजी गौशाला सहयोग मिले इस बारे? देखो जी, निजी गौशाला जड़िया ने उन्होंने भी सहयोग दिता है क्योंकि उन्होंने को ऑलरेडी गऊ धन काफ़ी है। तो इस तरीके असी जो बाहरियां जो गौशाला जो खाली पईआं ने जां घट ने तो वो लै रहे हैं। देखो देखी ये तो सहयोग है, ये तो है नहीं कि जी असी रखना नहीं। सो ये सारे नाल प्यार सत्कार नाल जिला प्रशासन के तौर पर मैं अपील करदा कि जिदे जिदे कोल भी गौशाला तो असी इन्ना वधिया काम कर रहे हो उत्थे आपां अपना गऊतां नूं सेवा कर सकीए, बाहर ना कढ़ीए गऊतां, आपां गऊतां नूं पूजा करदे तो उन्हां दी सेवा आपां करिए, उन्हां नूं बाहर सड़कां दे नाल छड्डण छड़ीए। अज जी माणयोग DC साहब दे हुक्म दे नाल जी, मिशन साहब दे हुक्म दे नाल जी, शहर दे विच जिन्ने भी बेसहारा गऊतां है उन्हां नूं फड़ के वख वख गऊशाला दे विच पहुंचाया जाऊगा जी। सुबह तड़के 5:30 बजे की टीम लगी है जी, 35-40 पशु जिहड़े फड़ लिए जी, 2 गड्डियां भर के भेजतियां जी। पहली गड्डी गोविंद गौशाला जिहड़ा बाईपास से जी नगर निगम की गौशाला है वो भेजे गए हैं जी, दूजी गड्डी उधर ही गई है जी। बेनती करते सारे गौशाला वालों कि तेर मेर ना कर दो कि असी गऊं नहीं रखनिया, ढट्ठे नहीं रखने, सारे पशु एक बार फड़ लगे सारा हल हो जूगा जी। हरेक चीज़ का नगर निगम मदद करने तैयार है, ठीक है ना जी, समय समय सिर पैसे दे जाते हैं। साढ़े तो जिन्नी भी संस्था को बेनती है भी जोड़ा बेसहारा गऊ धन है उन्होंने फड़ के गौशाला रखा जाए तो जो जो रोज़ हादसे होंगे है कि इंसानी कीमती जाना चलिया जाए उन्होंने बचाया जा सके, जो बेसहारा गऊ धन है इन्हों गौशाला रख के इन्हों की सामभ संभाल की जा सके। ये टीम किन्ने दिन काम कर जी? ये सर 13 तरीक अज 13 तरीक तो लैके 20 तरीक तक यानी 7 दिन उम्मीद है जिन्हें भी पशु है शहर के फड़ के उन्होंने गौशाला रखा जाऊ। कैंटीन भी चली जाता जी, अभी तो पिछले 2-2.5 महीने तो लगे हैं जी,
गोविंद गौशाला की टीम ने तकरीबन 400-450 पशु पहले फड़ के ले गए शहर। एन स्टार न्यूज़ के लिए मोगा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।